बैक टू माई चैनल, इट्स मी साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही पॉपुलर और वायरल ट्रेंड शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम इस तरीके से हम ये वाला जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो मैं आज आपके साथ ये ट्रेंड शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को जिनको बाद में लगाते हो उनको पहले लगाओगे। तो देखने के लिए ये जो मेरा ट्रेंड है इसका कैसा रिजल्ट रहता है, कैसा वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कंसीलर, और ये है टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड लाइट बेज। और इसको मैं अपने अंडर आइज, अपने आईलेट्स और जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा बहुत फॉरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं कर रही हूँ एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड। तो सबसे पहले आपको कंसीलर अप्लाई करना है, या फिर आप डायरेक्ट ही कॉन्टोर अप्लाई कर सकते हो, और आप इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। ये जो ट्रेंड है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है इसको फॉलो करते हुए, और उनका बेस एकदम परफेक्टली स्मूथ लगता है। उसके बाद मैंने लिया है ये कॉन्टोर स्टिक NYBAE का, और इस तरीके से मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपको कॉन्टोर करना नहीं आता है तो आई बटन पर लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अच्छे से कॉन्टोर अप्लाई करने के बाद इसको भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और आप चाहो तो एकदम जो बहुत ज़्यादा हार्श वाला कॉन्टोर है वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो बहुत ईजिली आपके फेस को एकदम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैंने इस तरीके से कॉन्टोर अप्लाई किया था, और इस तरीके से मेरा कॉन्टोर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं नोज़ का कॉन्टोर ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये मेबेलिन का लिपस्टिक इन द शेड रिच रूबी, और इसको मैं अपने चीक बोन पे अप्लाई कर रही हूँ, अपने नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे। तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना पिंकी पोंकी सा लग रहा था, तो मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और ये एक नॉर्मल लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक, तो ये इजीली बहुत इजीली ब्लेंड हो रही है। अगर आप मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हो, लिक्विड लिपस्टिक, तो आपको उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से ब्लेंड करना होगा। और मैं इतना हंस रही थी जब मैं अपने आप को देख रही थी पूरा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जोकर जैसा फेस हो गया था मेरा। और उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया है आइकॉनिक का लिक्विड हाइलाइटर, और ये इसका जो शेड है वो ब्राउन्स है, तो मैं इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, लाइक माय चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, माय क्यूपिड्स बो। और इसको भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसका ग्लो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है तो मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन्स पे, अपने फॉरहेड पे, तो जब मेरी सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी उसके बाद मैं ले रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल बफ, और इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये वाला जो टेक्निक है ब्यूटी ब्लेंडर से ही फॉलो करिएगा, ब्रश से फॉलो करोगे तो सारी चीज़ एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और आपका बेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर से ये होगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे ही ब्लेंड होंगी। तो इस तरीके से देखिए नेचुरल सी फिनिश आ रही थी, नेचुरल सा ब्लश क्रिएट हो गया था, नेचुरली कॉन्टोर। तो इसकी जो फिनिश थी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं थोड़ा अपने फेस को और हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने अंडर आइज, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड और क्यूपिड्स बो पे, और इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। और इन जो भी आपके स्मॉल एरियाज हैं वहाँ पे आप ट्राई करिएगा कि आप अपना जो ब्लेंडर का पॉइंटेड पार्ट है उसको यूज़ करो। और यहाँ मेरा ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। और आपको आपके फेस को सेट भी करना होगा, तो इस तरीके से मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। तो आपको दिख रहा है कि बिना ही मैंने कोई पाउडर ब्लश लगाए हुए जो लिपस्टिक था उससे ही नेचुरल ब्लश क्रिएट हो गया है, जो कॉन्टोर अप्लाई किया था उससे कॉन्टोर, और बहुत ज़्यादा नेचुरल सी फिनिश दे रहा था। और ये है मेरे मेकअप के बाद का लुक। आई लव दिस फिनिश, आई लव दिस ट्रेंड। आई होप आप भी इसको ट्राई करो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।